प्राप्त गोपनीय सूचना के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी अनुज तारे सह पुलिस निरीक्षक जाधव के नेतृत्व में सह पुलिस निरीक्षक बोटसे ने 12 मार्च 2022 को घटनास्थल की तलाशी ली और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआघर को नष्ट कर दिया। मौके से 84,24,19,720 नगद, 3 चौपहिया, 1 दोपहिया, 5 मोबाइल और अन्य सामग्री सहित माल की कीमत जब्त कर ली गई है और आरोपियों के नाम राजू सालू ताराला उम्र 37 साल निवासी कलेक्टर कार्यालय के पास सुविधा वार्ड पोस्ट जिला हनुमा कोंडा राज्य तेलंगाना, दूसरा सुरेश कुमार पेड़न्ना श्रीराम आयु 52 वर्ष वेणुराव कॉलोनी जिला वारंगल राज्य तेलंगाना, तीसरा रमन्ना कृष्ण रेड्डी थर्डा आयु 50 वर्ष ज्योतिनगर जिला करीमनगर राज्य तेलंगाना, चौथा मल्लेश उदेलू मिकल्ला आयु 45 वर्ष कॉलर मास कॉलोनी पोस्ट भोपाल पल्ली जिला जयशंकर राज्य तेलंगाना, पांचवा रामचंद्र बथुकिया वेमुला उम्र 52 साल गारेपल्ली जिला जयशंकर भोपाल पल्ली राज्य तेलंगाना, छठा धनंजय समैया अकुबाड़ी उम्र 24 साल दुबगुदम सिरोंचा जिला गढ़चिरौली, रामकृष्ण समैया चौधरी उम्र 20 साल सिरोंचा जिला गढ़चिरौली में ऐसे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के नाम है कृष्णा वेमुला की उम्र करीब 30 साल है गोदावरी खान जिला पेड़ापल्ली राज्य तेलंगाना, दूसरा थालारी रवि सागर लगभग उम्र 25 वर्ष जन्मपल्ली सिरोंचा जिला गढ़चिरौली फरार है। आरोपित पर असारल्ली में चौकी तक महाराष्ट्र जुआ अधिनियम संख्या 10/2022 की धारा 4-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने मऊजा गुड्डीगुड़ा में वीएम मात्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का भी दौरा किया और 25 लाख रुपए का भुगतान किया, जिनको नाला के पास पुल पर लाने के लिए फिरौती की मांग 3 से 4 बंदूकधारियों ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। प्राप्त गोपनीय जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस बल के गोपनीय दस्ते ने 12 मार्च 2022 को जिमला नाला पुल के पास जाल बिछाया। इस बीच आरोपी के नाम मल्लेश मारिया ओलवर उम्र 24 साल निवासी राजाराम अहिरी जिला गढ़चिरौली, दूसरा श्रीकांत सोमा सिद्धाम उम्र 20 साल चेरपल्ली अहिरा जिला गढ़चिरौली सदर जिम में नाला पुल के पास खड़ी थी। आप कौन है? जब गुप्त दस्ते के अधिकारी और अधिकारी सादे कपड़ों में पुल पर गए, आरोपी के पूछने पर अधिकारियों ने उसे बताया कि हम रोड वर्क मैनेजर हैं और हरे रंग की वर्दी वाले ISM ने 25 लाख रुपए देने का फैसला किया है, फिरौती की मांग की। नतीजन गोपनीय दस्ते ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोस्ट अहेरी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 1/2022 भादनवी धारा 387 और धारा 34 दर्ज की गई और दोनों आरोपितों को 17 मार्च 2022 तक दर्ज किया गया है। माकोट ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं। गढ़चिरौली पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है। उपरोक्त दोनों कार्रवाई माननीय द्वारा की गई थी। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक सौम्य मुंडे के मार्गदर्शन में गढ़चिरौली पुलिस बल ने 12 मार्च 2022 को 2 अलग अलग घटनाओं में जुआ घर को नष्ट करने और अवैध फिरौती वसूलने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गढ़चिरौली से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।